हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौका का कोफ्ता। देखिए, लौके को हमने छिलका छील लिया है, काट के, और इस तरह हमने उबाल दिया है। उबालने के बाद इस तरह ये हो गया है। अब इसमें हम देखिए क्या डाल रहे हैं, 2 चम्मच बेसन, इस तरह से दो बैंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन। इसमें पानी अभी हम नहीं डालेंगे। और ये हमारे मसाले हैं, ये हमारा अजवाइन मंगरायल है, ये हमारा धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये गोलकी जीरा पाउडर है। इतना इसमें हमको डालना है। ये सारे हमारे नमक 1 चम्मच है, स्वाद के अनुसार जितना आपका लौकी है उस अनुसार डालना है। तीखा हम कम लिए हैं, यदि आप तीखा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यदि ज़्यादा तीखा खाते हैं तो। ये बाकी के सारे मसाले इसमें हम कोफ्ते में डाल देंगे इस तरह से। सबको अच्छी तरह से मैश करना है। इसका पानी भी हम निचोड़ लिए थे, सारा पानी इसका निकाल लिए हैं। इस तरह से मैश करना है। देखिए, सारे मसाले, लौका और बेसन सब एक तरफ मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तेल हम अपना गरम रख दिए हैं। अब इसको हम गोल करके और तेल में डालेंगे। देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है, सरसों तेल में बना रहे हैं, क्योंकि सरसों तेल बहुत हेल्दी भी होता है और इसमें खाना टेस्टी भी बनता है। अब इसको छोटा छोटा करके हम इस तरह से डालेंगे। जितना आटेगा उतना हम इसमें बॉस डालेंगे। आंच को हम धीमा ही रखेंगे। अब इसको ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। हमारा एक तरफ सीख गया है, अब एक तरफ इस तरह हम पलट देंगे चम्मच की सहायता से, धीरे धीरे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है हमारा ये कोफ्ता। हमारा दूसरे तरफ भी सीख जाएगा, तो इसको निकाल के और हम ग्रेवी का तैयारी करेंगे। देखिए, हमारा हो चुका है। अब इसको हम सारा को निकाल लेंगे इस तरह से। हमारा तेल गरम है, ये हमारा 5 फोरन है, छोटी छोटी 4-5 सूखी मिर्च है, 1 लौंग है, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची और जीरा है। इसे हम इसमें तेल में तड़कने के लिए डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। दो मीडियम साइज के हमने प्याज काटे थे और एक हमारा टमाटर है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और इसमें भूनेंगे। टमाटर और प्याज हमारा दोनों गल चुका है। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए, हमारा ये नमक सारे मसाले इसमें डाल देंगे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गर्म मसाला भी हमने डाला है, और ये हमारा गोलकी जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, ये भी 1 चम्मच डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल छोड़ेगा तब तक हम भूनेंगे मसाले को। देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। देखिए किस तरह सारे तेल एब्जॉर्ब कर लिए हैं। देखिए इस तरह से, और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी उसमें लिए हैं जिसमें हमने कोफ्ता के लिए तैयार किया था, इसमें सारे पानी डाल देंगे। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अनुसार से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें उबल जाएगा तब हम कोफ्ता को डालेंगे। देखिए, हमारा ग्रेवी खोल गया, कितने अच्छा उबाल आया है इसमें। अब इसमें हम जितने भी बॉल्स बनाए हैं कोफ्ता वाले, सारे करके इस तरह से हम डाल देंगे।
सारे बॉल्स इसमें हम डाल दिए हैं। अब 2 मिनट तक इसको इस तरह से धीरे धीरे बॉयल होगा ताकि हमारा कोफ्ता में अच्छी तरह से ग्रेवी अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसको हम उतार देंगे इस तरह से ढक के। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, कितने अच्छे हमारे ग्रेवी बन के तैयार हुए हैं। और कोफ्ता देखिए बहुत अच्छा लगता है कोफ्ता। गैस ऑफ कर देंगे हम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना है कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।